चारों तरफ से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर पी गुप्ता कहा, सर हम उसको गोली मार देगा, एक दुबला पतला लड़का एक नाटक क्यों करेगा, क्या करेगा, क्या लिखेगा। नमस्कार, मैं अनिल पतंग बेगूसराय और बेगूसराय के रंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ और दिनकर भवन से भी जुड़ा हुआ आपके लिए कुछ संस्मरणों की कड़ियां शुरू करना चाहता हूं, श्रृंखला शुरू करना चाहता हूं अपने सांस्कृतिक अनुभव, सांस्कृतिक गतिविधियों में यहां के नागरिकों का, यहां के अधिकारियों का, यहां के और लोगों का जो सहयोग हुआ, इसकी चर्चा करते हुए मैं लगातार एक श्रृंखला की शुरुआत करना चाहता हूं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले अपने आराध्य डॉक्टर पी गुप्ता की चर्चा करना चाहूंगा, यानी डॉक्टर पीयूषेंदु गुप्त। वो 1958 में बेगूसराय जिले में प्रवेश करते हैं मेडिकल की शिक्षा लेके, और गांव और आसपास के लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प के साथ, और उनका कंसल्टेशन फी होता है मात्र 2 रुपये। 1958 में जो 1984 तक अनवरत वो 2 रुपया चलता रहा, उनके यहां मरीजों की संख्या भले अधिक होती हो लेकिन वो 2 रुपया में ही अपनी सारी जरूरतें की पूर्ति करते रहे। साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा और इतिहास इत्यादि न जाने कितने गुणों से लैस थे, जिसको कहते हैं कि वो ये प्रतिभाशाली, ऐसी प्रतिभा सर्व मैंने चारों तरफ से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो जब हमने नाट्य आंदोलन, जब SDO ये गांधी स्टेडियम बनने लगा जिला बनने के बाद N.K. अग्रवाल जी के समय में, तो वहां एक उत्तर तरफ एक मंच जब बन रहा था तो मुझे लगा कि इस पर नाटक हो सकता है और यहां नाट्य आंदोलन किया जा सकता है। तो हमने नाट्य आंदोलन की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की एक लोगों से मिलना जुलना, एक एप्लीकेशन दिया कलेक्टर साहब को, उसमें SNP गुप्ता NDC हुआ करते थे, उन्होंने मार्क किया, उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला लड़का एक नाटक क्यों करेगा, क्या करेगा, क्या लिखेगा, क्या करेगा, स्क्रिप्ट दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे करते करते वो 15 अगस्त वो पार हो गया कुछ समय। फिर हम लोगों ने, मैं कुछ लोगों से मिलना शुरू किया, जिसमें हमारे जगन्नाथ प्रसाद अधिवक्ता, प्रोफेसर किशोरी शरण कर्मशील, प्रोफेसर वेंकटेश, प्रोफेसर BK ओझा, गौरगी अग्रवाल, दिनेश्वरी शर्मा, KDN अग्रवाल। डॉक्टर KDN अग्रवाल के यहां जब बैठा तो वो कुर्सी से बिल्कुल ऐसे उछल गए, यहां भी नाटक होगा, बड़ा खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पी गुप्ता से मिलो, बड़ा इंटरेस्ट उनको होता है। मैं डॉक्टर पी गुप्ता के यहां गया तो हमारी जो कल्पना थी उस कल्पना को उन्होंने आकाश दे दिया और हमारे इस मझधार का पतवार थाम लिया उन्होंने। और एक मीटिंग हुई JK स्कूल में बूंदाबांदी के बीच, वो 2 सितंबर 1977 को, और जिला नाट्य परिषद की स्थापना हो गई। संयोजक बनाए गए भगवान सिंह, कैथमा के थे, मुंगेरीगंज में घर था, नीलम भवन। और उसके बाद गौरगी अग्रवाल को उस समय उसकी अध्यक्षता दी गई, मैं सह संयोजक था, शुरू हुआ। और फिर गांधी स्टेडियम में इसका जो उद्घाटन हुआ 2 नाटकों के साथ, एक रेडियो स्टेशन से आए थे गौरी शंकर सिन्हा जी, और एक मैंने नाटक किया था जिसमें विजय सिंह पाल वगैरह जुड़े थे। और वहां 2 रुपये का टिकट रखा गया और संपूर्ण वो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ये शमशेर जंग बहादुर सिंह, तत्कालीन श्रम नियोजन मंत्री थे, वो उद्घाटन के लिए आए थे। चलिए, ये सब तो घटना हुई, मैं विशेषकर डॉक्टर पी गुप्ता का 2 संस्मरण सुनाना चाहता हूं। एक संस्मरण में, संस्मरण तो बहुत है, सुनाने में तो घंटों घंटों क्या महीनों लग सकते हैं। उस पर हमारे श्री राजेंद्र राजन जी ने तो एक उपन्यास तक लिख दिया। चलिए मैं एक संस्मरण छोटा सा सुनाता हूं कि रामदेरी का एक लड़का, मैं बैठा हुआ था डॉक्टर पी गुप्ता के क्लिनिक में, आया बड़ा गुस्से में, पसीने पसीने लथपथ था।
कहा साहब हम उसको गोली मार देंगे। अब बड़ा तेज में था, डॉक्टर साहब बड़ा शांति से उठे, कहीं चलो आओ लॉन में बैठते हैं। लॉन में बैठे, मैं भी बैठा, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। कहा सर मूंछ का सवाल है, मूंछ का सवाल, हम गोली मार देंगे। उन्होंने कहा गुस्से में मत आओ, मेरी ओर देखो। तो मैं भी देखने लगा कि इनकी ओर क्या देखें भाई। उन्होंने कहा मेरी ओर देखो, मैं मूंछ नहीं रखता। मैं मूंछ क्यों नहीं रखता? क्योंकि न रहेगा मूंछ, न मूंछ का सवाल पैदा होगा, तो मूंछ ही नहीं रखो। मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा कि इस मूंछ को मुड़ा लो, फिर मूंछ का सवाल पैदा नहीं होगा। क्यों क्रोध माते उसको मारोगे तो तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तुम्हें भी सजा होगी, तुम्हें भी फांसी हो जा सकती है। ये समझाने का ऐसा कन्विंस किया कि वो लड़का बिल्कुल समझ में बात आ गई और बड़ा शांत होके गया। उसके पीठ थपथपाते उन्होंने कहा जाओ अपना काम करने लगो और इस सब बात को भूलो। एक और संस्मरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार मेरे इसमें इनके साथ साथ डॉक्टर एमएन राय की भी चर्चा करूंगा। एक बार मेरे पेट में वो कुछ दर्द सा हुआ, मैं डॉक्टर पी गुप्ता के यहां गया कि डॉक्टर साहब मुझे पीठ में बहुत दर्द हो रहा। तो उन्होंने देखा और टेलीफोन कर दिया डॉक्टर एम एन राय को कि अनिल को भेज रहे हैं, इसको जा देखो। मैं उनके बिशनपुर स्थित क्लिनिक में चला गया। मैं भी किसी याद 10 रुपया उनका फीस ही था, मैंने जमा कर दिया। जब अंदर गया 3-4 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। मैंने पैरवी भी नहीं की डॉक्टर पी गुप्ता का टेलीफोन है, हम मिलेंगे पहले, मैंने नहीं किया। मेरा एक सिद्धांत है, किसी डॉक्टर के यहाँ आप अपने क्रम को आगे बढ़ाने की न कोशिश करें न और दूसरी कोशिश करें। जब अंदर गया तो उन्होंने लिखा एक्सरे, मैं एक्सरे करा के जब लौटा तो उसमें एक छोटा सा हमारे यूरेटर में स्टोन निकला। उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा 20 ग्लासेज ऑफ वाटर पर डे। मैंने देखा दिमाग में तो लगा कि क्या हो गया भाई, क्या है? मैंने नहीं देखे, फिर एक्सरे कराया, एक्सरे में पैसा लग गया, यहां आए, आई लिखते हैं 20 ग्लास पानी रोज। मैं बड़ा बुझा बुझा सा डॉक्टर पी गुप्ता के यहां पहुंचा, उनको कहा कि देख लीजिए प्रिस्क्रिप्शन, कौन चीज कहां भेज दिया आप हमको, ये 20 गिलास पानी पीने से हमारा पथरी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब अपना ओपिनियन नहीं देते, ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी निकालो। गाड़ी आपको भी याद होगा BRI 3636, BRI अम्बेसडर, वो बाहर वो ड्राइवर निकालता है और मैं डॉक्टर साहब के साथ उस गाड़ी में बैठता हूं। गाड़ी उनके काली स्थान स्थित आवास पर पहुंच जाती है, अंदर जाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं है। पत्नी उनको टेलीफोन कर देती है कि डॉक्टर साहब आए हैं, फिर देखते हैं कुछ देर के बाद झरझर 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 करते हुए एक साइकिल घुसती है गेट में। गाड़ी उसका मडगार्ड भी हिलता था, आवाज करती थी झर झर झर, और डॉक्टर एम एन राय उतरते हैं उससे। डॉक्टर एम एन राय कार पर नहीं चढ़ते थे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी। वो जब उतरते हैं तो बताते हैं क्या बात है, फिर हम लोग बैठते हैं, वो कुछ मिठाई उठाई आती है। डॉक्टर साहब तो खाते नहीं थे, मैं तो मिठाई का बड़ा प्रेमी था, मैंने कुछ मिठाइयां खा ली। एमएनडा बेगूसराय में रहते रहते बेगूसराय की भाषा समझ गए थे, जानते थे, बोलते थे पेशेंट से। उन्होंने कहा पतंग जी यहां चिंता किया करे छे, अहां 20 गिलास पानी रोज पी के देखियो, आ फिर हम छे नहीं होते फिर देखबे। और आपको आश्चर्य मैं बताऊं, 1980 का यह प्रिस्क्रिप्शन, आज तक वो 20 गिलास पानी या जय गिलास पानी अधिक पानी पीने की जो परंपरा है वो आज तक दोबारा मुझे पथरी होने नहीं दिया। तो ये दिक्कत तो ये विशेषता डॉक्टर ने थी, और डॉक्टर एम एन राय वो अभी तो आजकल के आदर्श डॉक्टर्स में से एक थे, हैं अभी भी हैं, वो इधर भी आए थे बेगूसराय। और ये सारी बातें आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि ये जो संस्मरण है ये काफी ये दिलचस्प है और आपको जानना चाहिए कि किस तरह की बातें होती है। अपनी श्रृंखला को लंबा न करते हुए बस एक और अपना
संस्मरण में सुनाना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों तक डाकघर में भी काम किया। उस समय जो भी मेरा वर्तमान आवास है उसके पीछे हमारे बड़े ही आदरणीय सरयू बाबू के यहां रहा करता था और वो पिता के समान मुझे स्नेह दिया करते थे। और मैं बताऊं कि एक बार हमें वहां मलेरिया हो गया, बुखार आया जो मलेरिया का रूप ले लिया, बिल्कुल पीरियड समय बांध के आता था, ठंडा लग के आता था और छूट ही नहीं रहा था। डॉक्टर साहब को पता चला, डॉक्टर पी गुप्ता को, कि मुझे मैं बीमार हूं। वो आए बिल्कुल रेलवे लाइन, इस तरह सड़क भी आज की तरह नहीं थी, वो रेलवे लाइन होके आते हैं और हमें देखने के बाद वो लिखते हैं दवाई केमा क्वीन 2 टैबलेट 60 पैसे की दवा दो, अब टैबलेट आई और मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद बहुत कमजोरी थी, कुछ दिनों के बाद मैं उनके क्लिनिक में गया और क्लिनिक में जब जाता था तो उनके बाहर में जो उनके कंपाउंडर नवल बाबू थे, नवल जी हाथ जोड़ते थे, बॉस जल्दी निकल जाइएगा, पेशेंटर बहुत होती थी, वो चाहता था कि जल्दी जल्दी पेशेंट का डिस्पोजल हो। मैंने कहा है नवल बाबू, हमको डॉक्टर साहब छोड़ेंगे तब ना निकलेंगे, वहां से जाके हम भाग तो नहीं सकते हैं। कहा नहीं, हम एकदम मैं निकलना चाहता हूँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब छोड़ेंगे तभी निकलूंगा। अंदर में गया, पेशेंट देखते भी रहे थे, हमसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब का को मैंने सुनाया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, कोई टॉनिक वगैरह आप हमको दे दीजिए, लिख दीजिए। टॉनिक क्या होता है? घबरा गया, कहा डॉक्टर आप हैं, हम उससे पूछ रहे टॉनिक क्या होता है। मैं तो नहीं जानता हूं टॉनिक कुछ हो, टॉनिक भी कोई दवा होती है। अरे टॉनिक है दूध, टॉनिक है फल, ये सब खाओ ठीक हो जाओगे, ताकत आ जाएगी। बहुत देर तक इस पर बातचीत होती रही। जब मैं चलने लगा तो नवल को बुलाते हैं, ए नवल सुनो, अरे अनिल को ताकत की दवा चाहिए, वो जाली वाली बोतल कोई है? का जी एक वो जाली वाली बोतल ला के दो। नवल जी जाते हैं और सैंपल वाली एक जाली वाली बोतल है ला के मुझे मेरे आगे रखते हुए। डॉक्टर साहब कहते हैं जाओ इसको पी लो, ऐसे इसके अलावा फल दूध तुम्हारे लिए उपयोगी होगा, ये ले लो ऐसे। मतलब जैसे कि उस टॉनिक का कोई महत्व नहीं। और डॉक्टर पी गुप्ता और उनके एक रिलेटिव थे एके सेन, डॉक्टर एके सेन, वो टॉनिक के बहुत खिलाफ थे और कोई टॉनिक पेशेंट को नहीं लिखते थे। ये संस्मरण, ये डॉक्टर साहब का संस्मरण तो बहुत है, उनके एक से एक कहानियां हैं, प्रचलित है। तो चलिए आज इस बहाने मैं उनको याद करता हूं। 84 के जाने के बाद पटना में उन्होंने अपनी फीस 6 रुपया रखी और हम, मुझे लगता है कि वो सब दिन सेवा करते रहे, वहां भी लोक संस्कृति के लिए काम करते रहे। उनका सुपुत्र जो अबू भी मरहूम हो चुके हैं, डॉक्टर सहवाल गुप्ता, उनका एक आदरी था, उसमें उन्होंने एक धरोहर बनाया और धरोहर में जितने हमारे परंपरा की चीजें हैं उसको संग्रहित किया और उसके संचालन के लिए हम उसको बहुत प्रयास किया कि मेरा प्रतिनियोजन हो जाए पटना में, नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ के लड़कों को एक कॉन्सेप्ट नहीं है फोकाट का, ये उनकी विशेषता थी। मैं उनको आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ एक बार फिर से नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर पी गुप्ता, जिनके नाम पर अब एक रोड भी बन गया है, बीपी स्कूल के सामने से उनके घर तक के रोड का नाम है डॉक्टर पी गुप्ता रोड, मैं उन्हें एक बार फिर से नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।